पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रही है, पत्तियाँ बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, पीली पड़ चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने पौधे की किस प्रकार से केयर कर सकते हो, अभी उसे कैसे ठीक से कर सकते हो ताकि वो 1 से 2 महीने के अंदर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे, रिकवर हो जाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कैसे केयर करना है सारे टाइप्स के आउटडोर प्लांट की, ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप मेरा ये रोज़ का पौधा को देख सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था, इसमें बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं थी दोस्तों, बिल्कुल पौधा जो है वो बेजान सा हो गया था। लेकिन अभी ये बिल्कुल रिकवर कर गया है और नई नई कलियाँ बना रहा है। ये जो आप लीव्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल नई नई लीव्स निकली है, रेड रेड कलर की। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे लीव्स और निकल आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको कैसे केयर करनी है अपने पौधे की, क्या बेस्ट फर्टिलाइज़र देना है जिससे अगर आपका पौधा बिल्कुल बेजान हो गया है गर्मी से तो अच्छे से रिकवर करे और कलियां बनाए। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरा ये पौधा बिल्कुल अच्छा हो गया है, रिकवर कर गया है। आप इन फ्लावर्स के कलर भी देख सकते हो, इसका कलर कितना उभर कर आया है और साइज भी काफ़ी अच्छा है। आप मेरे ये रोज़ के प्लांट को तो देख लिए, अब मैं आपको करके बताती हूँ कि अगर आपका पौधा का हाल कुछ मेरे इस पौधे के जैसा हो गया है, आप देखिए इसकी पत्तियां जो है धूप में रह के इस टाइप की जली जली सी हो गई है। आप देख सकते हो इसकी एक एक पत्तियां जो है वो जली जली सी हो गई है। पौधा बिल्कुल बेजान हो गया है, ना ही कलियां बना रहा है ना ही फ्लावर बना रहा है। तो इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जैसे कि पौधा बिल्कुल रिकवर हो जाए, और जैसा कि ये सब जो पत्तियाँ हैं इसे आपको इस तरीके से पौधे में नहीं छोड़ना है, इसे हटा देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हटा करके। तो हटाने के लिए दोस्तों मैं सीज़र की हेल्प ले रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल को लगा दिया था जिसके कारण अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा इसमें तो पौधे में नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए मैं सारे ब्राउन पत्तियाँ को इस तरीके से कट करके हटा दे रही हूँ। अगर आपके भी पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल जली जली सी है तो आप एक भी अपने पौधे में ना छोड़िए, उसे तुरंत हटा दीजिए। इससे पता चल रहा है कि पौधे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो गई है, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, जिससे पौधा बिल्कुल बेजान सा हो गया है। क्योंकि एक बार अगर वो अच्छे से फ्लावरिंग करता है तो दोबारा उसमें अच्छी फर्टिलाइज़र देने से तभी वो फ्लावरिंग करता है। क्योंकि सारे फ्लावर्स एक बार निकलते हैं तो पौधे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो मैं आज आपको बहुत बेहतरीन खाद भी बताऊंगी दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए इस तरीके से मैं सारी पत्तियों को कट करके हटा दे रही हूँ। नीचे नीचे में भी आप देख सकते हो जली जली सी पत्तियाँ हो गई है, पत्तियाँ का साइज भी अच्छा नहीं है और कलर भी अच्छा नहीं लग रहा है। नई पत्तियाँ आएंगी अगर आप पुरानी पत्तियाँ को छांट देंगे तो। और दोस्तों पत्तियाँ बिल्कुल छट चुकी हैं तो आप उसके बाद क्या करिए कि पौधे की थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए अगर आपके पौधे में फ्लावर नहीं आ रही है तो। तो मेरे इस पौधे में बिल्कुल भी फ्लावर नहीं आ रही है तो मैं थोड़ी थोड़ी इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर दी हूँ। इस तरीके से देखिए सॉफ्ट प्रूनिंग में, जैसे कि यहाँ से अगर फ्लावर आएंगी आप यहाँ से कट करते हो, देखिए अगर आप इस स्टेम में कट करते हो इतना तो यहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी, नई ब्रांचेस निकलेगी और फ्लावर लेते हुए निकलेगी। तो ये तरीका होता है नई नई फ्लावर उगाने का। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे भी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी हूँ, उसके बाद जब नई ब्रांचेस निकलती है दोस्तों तो कली लेते हुए निकलती है। सॉफ्ट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, एक बार अगर पौधा अच्छे से फ्लावरिंग कर दे उसके बाद आप एक बार पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कीजिए, तभी आप दोबारा फूल पाएंगे अपने प्लांट्स में। तो इस तरीके से देखिए कुछ भी सूखी सूखी जो स्टेम्स है उसे भी हटा देना है, इससे पौधा बहुत अच्छा घना भी होता है और फ्लावरिंग भी होती है। तो ये देखिए दोस्तों पूरा हो चुका है, कटाई छटाई सॉफ्ट प्रूनिंग ये सब सारा कुछ हो चुका है।
अब जो भी सूखी पत्तियां हैं उसे पौधे में नहीं रखना है, उसे हटा देना है, पॉट को बिल्कुल क्लीन रखना है। तो ये देखिए, ये कुछ मैंने बनाना पिल्स डाले थे सूखे हुए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बीच बीच में बनाना पिल्स डालते रहिए, हर 15 दिन में एक बार। इससे क्या होगा, चाहे मिक्सी ग्राइंडर में डाल के भी, ग्राइंड करके भी आप उसका पेस्ट को डाल सकते हैं, या फिर पानी में भिगो के भी डाल सकते हैं उसके पानी को। ये मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, मिट्टी में पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस की कमी को पूरा करता है, पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो इस तरीके से देखिए, एक भी कहीं भी सूखी पत्तियाँ नहीं है, पॉट बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो अब बात करते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र के बारे में। तो सबसे पहले हम पॉट की गुड़ाई कर लेते हैं। तो चलिए अब हम गुड़ाई कर लेते हैं। कम से कम पॉट को हमेशा पॉट की हमेशा 15 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। फर्टिलाइज़र आप नहीं दे रहे हैं 15 दिन में, लेकिन आप एक बार गुड़ाई ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब फर्टिलाइज़र दे रहे तभी आप गुड़ाई करेंगे। ये क्या करता है कि मिट्टी को ढीली करता है, पौधे को बिल्कुल स्वस्थ रखता है। इस तरीके से देखिए, मैं मिट्टी की गुड़ाई कर ले रही हूँ। तो दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई हो चुकी है, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो गई है। ऑक्सीजन का आवागमन अच्छा होगा, इससे भी पौधे में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है ग्रोथ करने में, पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। तो ये देखिए, मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो ये है रेड फिटकरी। ये रेड फिटकरी आपको कहीं भी मिल जाएगा, वाइट फिटकरी भी होती है, रेड फिटकरी भी होती है, लेकिन मैं रेड फिटकरी यूज़ करती हूँ। इसका रिज़ल्ट मुझे वाइट फिटकरी से ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अगर मिट्टी में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, चींटियाँ आ रही हैं, कुछ भी दीमक वगैरह मिट्टी में लग रहा है, तो ये इसके यूज़ से तुरंत भाग जाता है। तो एक बार जैसे पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग हो गई दोस्तों, दोबारा फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो यानी कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा पीएच लेवल कम हो गया है, मिट्टी का प्रोटीन की कमी हो गई है। तो अगर आप ये फिटकरी वाला पानी दोबारा अपने पौधे में देते हो, हर 15 दिन में अगर आप ये देना स्टार्ट करते हो, तो आपके पौधे में कभी भी फ्लावरिंग नहीं रुकेगी, कंटिन्यूसली ये फ्लावरिंग करता रहेगा। बस आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, एक बार अच्छे से पौधे की कटाई छटाई करनी है, जो भी सूखे पत्ते हैं उसे हटा देना है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, उसके बाद गुड़ाई करके आपको ये फिटकरी का पानी अपने पौधे में डालना है। तो दोबारा आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर ये कलियाँ बनना इसमें शुरू हो जाएगा आपके पौधे में, और पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। तो ये देखिए, ये है रेड फिटकरी। तो इसे कैसे यूज़ करना है, जैसे कि मैं एक पॉट के लिए बना रही हूँ, तो जितना मैं पानी देती हूँ एक पॉट में, उसके अनुसार मैं इस फिटकरी को इसमें घोलूँगी। तो देखिए, ये कम से कम 100 ml पानी है, तो ये 100 ml पानी में मैं इस रेड फिटकरी को इस तरीके से घोल ले रही हूँ। कम से कम आपको 10 सेकेंड तक इसे घुलाना है। जो भी फिटकरी में अच्छे अंश होते हैं वो इस पानी में आ जाएंगे, और ज़्यादा देर तक आपको ये चीज़ नहीं करना है दोस्तों, बस इतना ही देर तक करना। देखिए, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, जो भी फिटकरी के गुण होते हैं वो इस पानी में आ गए हैं। तो अब क्या करना है, गुड़ाई हो चुकी है, अब इस पानी को इसमें डाल देना है। और ये प्रोसेस आपको तभी करना है जब आपके पौधे की मिट्टी नम हो, यानी कि आपको एक दिन पहले पानी डालना है, दूसरे दिन ये फिटकरी के पानी को डालना है। बस यही आपको करना है, और आपके पौधे में इस तरीके से दोबारा फ्लावरिंग फिर से होने लगेगी। तो मैंने इस पौधे में इसलिए किया है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन अभी इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो जब फ्लावर नहीं निकलेगी तब मैं इसमें यूज़ करेंगी, यानी कि जब एक बार ये अच्छे से फ्लावरिंग कर जाएगा, उसके बाद जब दोबारा पौधे का हाल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तब मैं यूज़ करूँगी, यानी कि 15 दिन के बाद मैं फिर से इसमें भी यूज़ करूँगी, फिर से इसमें भी यूज़ करूँगी। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।